फोर नंबर पिस्टन का हालात आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल पानी भरा हुआ है, एकदम फुल हो गया है। अब क्लीन से दिखाता हूँ, ऐसा पानी भरा हुआ है तो गाड़ी जब भी स्टार्ट कर रहे थे पानी ऊपर। ये वाल चेंज हुआ है पूरा, जितना इसमें वाल दिख रहा है पूरा चेंज हुआ है, वाल सब चला गया था यहाँ पे। स्टार्ट करो छोटू। हाँ बस, जैसा कि आप लोगों को दिखाया हूँ कि इसका जो वाटर ऊपर की तरफ कितना जोर जोर से ओवरफ्लो हो रहा था, वाटर रिटर्न आ रहा था। जैसे ये स्टार्ट कर रहा था ऐसा लग रहा था कि कोई इंजन में मोटर डाल दिया है। तो क्या प्रॉब्लम से हम लोगों ने हेड खोल रहा हूँ, आपको हेड खोल के पूरा अच्छे से बताऊँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम था, कितना जोर से वाटर ऊपर की तरफ वाल हो रहा था। आपके सामने पूरा इसका क्या फॉल्ट है पूरा आज क्लियर कर देने वाला हूँ। गाड़ी में थोड़ा हेड गैस्केट फूटा रहता है तो इतना पानी नहीं आता। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी आ गया, जब भी स्टार्ट कर रहे थे आपको पता ही है, वीडियो देखिए कितना ज़ोर से आ रहा। तो हम ये रहा इस गाड़ी का हेड, मैं किसी काम में व्यस्त था, सॉरी वीडियो नहीं बन। तो हम बताएंगे इस गाड़ी का जो हेड था वो अच्छे से फेसिंग होके आ चुका है। देखिए इसका जो भी काम था वो काम हो चुका है। ये वाल चेंज हुआ है पूरा, जितना इसमें वाल दिख रहा है पूरा चेंज हुआ है, वाल सब चला गया था। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये वाला से कितना गहरा हो चुका है, देखिए गड्ढा हो गया। ये वाल हुआ, ये वाल ऑयल सील हुआ, ये ऑयल गेट हुआ, इसमें का टूट गया है ऑयल गेट रहे। इसके बाद ये सब इतना आइटम है, बाकी आइटम पूरा चेंज हो चुका है। यही आगे पीछे से राइट रॉन्ग से पूरा दिखा देता हूँ, सब कुछ नया है, बिल्कुल ब्रांड डाला गया है। नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। तो हमारे पास आ चुकी है बिल्कुल चमचमाता हुआ, ये पूरा को क्लीन किया हूँ बढ़िया से, एकदम दिख रहा है आपके सामने। और हेड गैस्किट जो है हम यूज़ करने वाले हैं ये। अब ये अब पूछिएगा कि भाई एक गाड़ी में दो हेड गैस्किट क्यों लगा रहे हैं। मैं हेड गैस्किट भाई रखा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो। ये हुआ मेटल का हेड गैस्किट, देख लीजिए ठीक है। ये हो गया पेपर का, तो हम डालेंगे मेटल वाला। यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन सा कंपनी है। कहाँ गया ये वाला, देखिए सिलेंडर गैस्केट दिख रहा है ना, टाटा 207, टाटा 407 है, लेकिन 207 407 दोनों सेम ही आता है। तो हम यही डालने वाला हूँ ठीक है, टलब्रस का डालूंगा। ये देखिए, अब पूछिए कि अनुज भाई ये रखे या क्यों नहीं डाल रहे हैं। भाई ये अधिकांश करके क्या होता है, जिस गाड़ी में ज़्यादा जो वाटर ओवरऑल का मतलब कंप्लेंट आता है वो ठीक नहीं होता है, उसमें आप ये डाल सकते हैं। ये बहुत अधिकतर क्या होता है, जो फॉल्ट रहता है उसको दबाने का काम करता है। ये पेपर का है, जहाँ पे छोटा मोटा गैप रहता है उसको बंद कर देता है। लेकिन ये जो मेटल है, ये मेटल इसलिए डाल रहा हूँ कि हमारा जो काम है बिल्कुल नंबर वन है। तो हम डालेंगे मेटल का चमचमाता हुआ हेड गैस्केट, चलिए इसमें डालता हूँ। ये डालने से पहले इस पर लुब्रिकेट करें ऑयल का। तो टॉप वाला हम ऊपर रखा हूँ, टॉप हमेशा देख के ही डालें कि टॉप ऊपर रहेगा। यहाँ पे टॉप देखिए, यहाँ पे देखिए टॉप लिखा है, ये प्रॉपर तरीके से लग चुके हैं। अब बाड़िए हेड को डालेंगे, तो यहाँ पे इसका हेड जो है हेड गैस्केट के अंदर हेड गैस्केट डाल दिया हूँ हेड के नीचे। और जो इसका टाइपिट रड होता है वो हमें सेटिंग करने के लिए भाई इस साइड का ये जो कवर जो दिख रहा है ये वाला, ये मुझे खोलना होता है। एक्चुअली हम जिस समय इसको खोलते हैं रिमूव करते हैं, ये जितना भी टाइपिट रड है निकालते हैं तो उसके साथ में जो ये सब कैप दिख रहा है ये कैप सब निकल जाता है, कोई कोई बाहर निकल जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग उस ये कवर को नहीं खोलेंगे, डायरेक्ट टाइपिट रड को डालेंगे, सेटिंग करेंगे, तो मुश्किल नहीं है भाई कि ये सेटिंग हो जाए। तो इस कंडीशन में मुसीबत झेलने से बढ़िया है कि भाई थोड़ा इसमें दो चार बोल्ट है उसको खोल के अच्छा से इसको टाइमिंग पर मिला लेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि इसका जो टाइपिट का सेटिंग होता है वो कितना mm रखना चाहिए। तो इसका जो मेन पुली का बोल्ट है वो 46 नंबर का है,
जो इतना बड़ा वीट है उससे थोड़ा इसको राउंड लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जो टाइपिड रड्स है वो सेटिंग में आएगा और मुझे वहाँ पे टाइपिड गेज डाल डाल के इसका सेटिंग मुझे करना पड़ेगा, ताकि कोई कम सरस ना हो, कम बेस ना हो, जितना पे जिसका सेटिंग है उतना ही करूँगा। तो हमारा इंजन थोड़ा राउंड ले चुका है, हम लोग चेक करेंगे कि प्ले किसमें है। प्ले नहीं है, इसमें प्ले नहीं है, इसमें प्ले हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। बाकी सबको चेक करेंगे, इसमें भी है, ये बहुत ज़्यादा है, इसका कम करना पड़ेगा, इसमें ठीक है। ये सब कैसे सेटिंग होता है पूरा आपको बताएंगे। तो इस गाड़ी का जो इंजेक्टर लाइन है, ये पाइप लाइन है, वो भाई हेड में ही दे दिया है और हेड में से डायरेक्ट जाके ऐसे इसमें लगा दिया है। तो यहाँ पे सब बोल्ट ये सब दिख रहा है, नट, इसमें मुझे अच्छा टेपलिंग टेप करना पड़ेगा, जो ये वाला है लीकेज बंद करता है ये टेप, ये मुझे आवश्यक लगाना है, नहीं तो लीकेज हो जाएगा ऑयल। डीजल तो नहीं होगा पर ऑयल हमेशा लीकेज ही रहेगा, तो उस कंडीशन में हम कुछ भी उस समय नहीं कर सकते। तो अभी भाई लगा देता हूँ, इसका टेंशन ही क्यों, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो हम फटाफट से चारों में लगाते हैं। तो जैसा कि इसमें भी मैंने लगा दिया, इसमें भी पूरा सब में लगा दिया हूँ, जहाँ जहाँ पे इसका ज़रूरत था इसमें मैं पहले ही डाल के और टाइट कर दिया हूँ, और बाकी जो तीन बचा था उसमें भी डाल दिया हूँ। अब इसको मुझे फुल दबा के जोर से टाइट करना है। तो ये गाड़ी में यही वाटर पम्प डालूंगा जो कि बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल ब्रांडेड, बिल्कुल नया, और ये मुझे खोजने में मार्केट में बहुत टाइम लगा क्योंकि ये मिलता नहीं है, यहीं पे आएगा, जो कि हम लोगों ने गम यहाँ पे लगा दिया हूँ और बढ़िया से यहाँ पे क्लीनिंग चला है। इस पंप में एक्चुअली क्या है, बोलता है ना, वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको सेंटरिंग में पकड़ना है वाटर बॉडी को, और जो यहाँ पे 17 साइज जो बोल्ट है उसको क्लीन से आपको उंगली से फिरा फिरा के लगाना है, नहीं तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा इधर उधर हुआ तो अंदर का जो हम लोग पैकिंग डालते हैं वो पैकिंग इधर उधर से दब के कट जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लीकेज आने का संभावना अधिक रहती है। तो ऐसे ना करें, हम लोग बिल्कुल सेफ होके इसको अच्छे से डालेंगे। तो ये जो बोल्ट है ये मीडियम मीडियम चारों तरफ से टाइट कर लेंगे, जब पूरा बोल्ट यहाँ पे टच हो जाएगा तो फुल दबा के लॉक कर देंगे ताकि लीकेज का कुछ संभावना ही नहीं रहेगा। तो एक्चुअली जो वाटर पंप होता है वो बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, यहाँ पे देखिए। अब बारी है इसका टाइपिड जो होता है, वो टाइपिड सेट करूँगा, गाड़ी को स्टार्ट करूँगा इंजन ऑयल डाल के। तो आज भाई लोग को दिखा देता हूँ हमारे गाड़ी का पार्किंग, देखिए पूरा इतना बड़ा एरिया है, स्पेस है, जो कि पूरा यहीं पे गाड़ी डालता हूँ, देख लीजिए वही गैरेज है, इसमें गैरेज है। फर्स्ट नंबर पिस्टन का हम लोग टाइपिड सेट करेंगे और आपको दिखाऊंगा कितना mm मुझे रखना है टाइपिड गेज में। अगर बचाइए तो ये फर्स्ट नंबर का हो गया, और सेकेंड भाई तो पूरा टच करके छोड़ दिए, तो स्टार्ट नहीं, खुल नहीं रहा था। ठीक है, प्ले क्यों देता है, नीचे कंप्रेसर उठा लेना। वो सबसे लास्ट देखेंगे 4 नंबर पिस्टन का टाइपिड कैसे सेटिंग करेंगे। तो वो देखिए, लास्ट वाला ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो ऊपर जा रहा है उसको हमें सेटिंग करना पड़ेगा। अभी फिर भी ये दोनों ऊपर आया, एक ऊपर आके रुका था और जो सेकंड वाला है ये भी नीचे से ऊपर आ गया, तो हम इसमें देखेंगे थोड़ा गैप कितना है। हो गया पूरा का गैप, नहीं था मजाक, ये ज़्यादा हो गया, इतना तो रखना ही नहीं है। हेलो, तीन चार पाँच, दो पाँच, तो पूरा टाइपिड सेटिंग हो चुका है। अब एक बार क्या करेंगे, इसको इंजन को थोड़ा डाउन लगाएंगे
राउंड लगाने के बाद हर एक टाइपिट को हम लोग चेक करके देखेंगे कि इसमें कितना प्ले है। एक, तीन, बिना वाल डोर के स्टार्ट किए तो पूरा आलू पर से रोड कैसे खड़ी है। टाटा 297 का हम आपको बताया कि टाइपिट सेटिंग कैसे किया जाता है, और एक्चुअली इसमें जो फाइल था वो फाइल भी मैंने आपको बताया और पूरा को एक बार चेक कर लिया, पूरा टाइट। अब क्या करेंगे, इंजेक्टर का एयर आउट करेंगे, एयर आउट करके सेल्फ मारेंगे, सेल्फ मार के स्टार्ट करता हूँ। सेल्फ जो डीजल है पूरे इंजेक्टर तक पहुँच चुका है, हमें क्या करना है सबको टाइट कर देना है। टाटा 297 तो जैसा कि पूरा गाड़ी एयर आउट हो चुका है, इसका जो भी करना था सब कुछ हो गया, बाकी बचा है इसको स्टार्ट करने का। स्टार्ट मैं थोड़ा देरी करूंगा क्योंकि इसका जो इंजन ऑयल है पूरा ऊपर की तरफ छीटा मार देगा, तो हम आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं बिल्कुल थोड़े देर के लिए। स्टार्ट करो छोटू। हाँ बस बस, तो आप लोगों को बता दिया हूँ कि बिल्कुल मस्त स्टार्ट हो चुका है, एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इसी तरह होता है सब कुछ। हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से टाइपिट पूरा मिला दिया हूँ, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, जो जितना टाइपिट रखना होता है पूरे हम सब लोगों ने इसमें अच्छे से मिला दिया है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर का वाल और पैकिंग डालते हैं, गाड़ी को रेडी करते हैं। और आप लोगों को हम बता दिया हूँ कि एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गया है, और आप कभी भी इस गाड़ी का काम करेंगे तो शायद स्टार्ट नहीं हो पाएगा सेल्फ से। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं भी जब भी इसको गाड़ी को पूरा रेडी करके स्टार्ट करने गया, दो तीन बैटरी ज्वाइंट कर दिया, फुल मोशन था इंजन पर स्टार्ट नहीं हो रहा था। क्या किए पता है, ये गाड़ी को पुश किए, रोड पे धकेला हूँ थोड़ा देर, थोड़ा दूर की, उसके बाद गाड़ी फुल जोर से स्टार्ट हो गई। तो अब एक बार स्टार्ट हो गया धकेलने के बाद, अब जब भी स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम बिल्कुल हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी इस गाड़ी का इंजन करना है, हेड करना है, स्टार्ट नहीं हो रहा है बैटरी में, तो एक बार पुश करके धक्का देके स्टार्ट करिएगा, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ भाई पूरे यूट्यूब में नहीं है, वो क्या, जो इंजेक्टर के यहाँ पे पाइपलाइन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है ये फर्स्ट किस में जाएगा आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो यहाँ पे पंप का दिख रहा है इस साइड में जाएगा, ठीक है, बिल के तरफ, सबसे ऊपर जो बिल के तरफ है वो फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे जस्ट उसके नीचे, ये वाला सेकेंड नंबर इसके नीचे, ठीक है, और थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पाइप हम लोग कहाँ पे देखेंगे, जो बोर साइड दिया हुआ है, ये वाला बोर साइड दिया है, सबसे ऊपर की तरफ डाले, और जो चार नंबर पाइप लाइन है वो सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बिल्कुल इसका पाइप कैसे लगाया जाता है नोजल का। जैसा कि इस वीडियो में हम आपको बताया हूँ कि ये टाटा हमारे पास 207 आई है 297 गाड़ी, अब इसमें हम लोग क्या क्या किया हूँ पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। और इस गाड़ी में एक्चुअली हुआ क्या था, आप लोग को पता ही होगा कि जैसे हम लोग गाड़ी को स्टार्ट कर रहे थे तो इसका जो वाटर होता है वो इतना ज़ोर से ऊपर की तरफ उबाल हो रहा था, ऊपर की तरफ रिटर्न आ रहा था कि ना हम गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। इसमें पानी डाल के, कैप डाल के हम ड्राइव भी करते तो 2-3 किलोमीटर जाता पाइप में पूरा गैस बन के, कहीं पर पाइप फट जाता। तो इस कंडीशन में गाड़ी को नहीं यूज़ किया हम लोगों ने, इसको हेड को खोल के ओवरऑल किया, मत से इसका काम किया हूँ, पूरा एक एक पार्ट्स को यूज़ ओरिजिनल डाला हूँ। इसका वाटर बॉडी जो होता है, वाटर पंप बोलते हैं, उसको भी चेंज किया हूँ। उसके बाद हेड गैस्केट भी बिल्कुल नया डाला हूँ, ये वाला देख लीजिए, और इसका जो जो पैकिंग होता है सब कुछ बिल्कुल नया डाला हूँ। तो हमारा ये वीडियो, आपको उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा, लाइक करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा क्या, ताकि ये जो गाड़ी जिनके पास है, जिनके पास होने वाला भी है, तो उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, उनको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा कि उनके पास गाड़ी है उसमें कैसे काम होता है, कैसे सब कुछ किया जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, मैं अनुज।